गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है और जो रघुनाथ स्कूल रतनगढ़ की तरफ से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 में मैं सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों हमारा प्रथम अध्याय है वो समाप्त हो चुका है और हमारा जो दूसरा अध्याय है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, वो इस पाठ का नाम है। इस पाठ को मैंने लगभग 2-3 दिन हो गए आपको पढ़ाते हुए। कल मैंने आपको उदारवादी, रेडिकल, इसके अलावा रेडिकल के अलावा रूढ़िवादी, इनके बारे में भी आपको बताया था। उदारवादी, उदारवादी जो समूह था वो एक ऐसा समाज चाहता था जिसमें यूरोप के सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए, व्यक्तिगत या व्यक्ति मात्र धर्म को प्राथमिकता न दी जाए, व्यक्तिगत धर्म है उसको मान्यता न दी जाए। यूरोप में प्राय सब आपको पता है सभी धर्म देशों में एक ही धर्म का बोलबाला था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। जो उदारवादी समूह था वो वंश आधारित निरंकुश राजतंत्रात्मक प्रणाली के विरोधी थे। उदारवादी वंश आधारित निरंकुश राजतंत्रात्मक राजशाही के विरोधी थे। उनका मानना था कि यूरोप के देशों में लोकतंत्र आवे, व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबके लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत अधिकारों के अंतर्गत जो मनुष्य के जन्मजात अधिकार है, जो मनुष्य के मौलिक अधिकार हैं, उनको महत्वपूर्ण माना जाए, उनको केंद्रीय महत्व दिया जाए। व्यक्तिगत अधिकारों के अंतर्गत जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये सभी नागरिकों को प्राप्त होने चाहिए। लिबरल या जो उदारवादी थे उनका मानना था कि व्यक्तिगत अधिकारों की प्राप्ति के द्वारा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। वे तानाशाही, राजतंत्रात्मक शासन और निरंकुश सत्ता के विरोधी थे। उनका मानना था कि जब तक यूरोप के देशों में तानाशाही राजतंत्रात्मक प्रणाली रहेगी तब तक व्यक्ति के अधिकारों और उसकी मान्यताओं और मूल्यों का कोई महत्व नहीं रहेगा। वे सरकार के सामने व्यक्ति मात्र के अधिकारों के पक्षधर थे। उनका मानना था कि सरकार को किसी के अधिकार का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लिबरलिज्म या उदारवादी है वो ये मानते थे कि सरकार को सभी नागरिकों को उनके अधिकार और स्वतंत्रता देनी चाहिए। नागरिकों से उनके अधिकार और स्वतंत्रता मात्र को छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के अधिकार महत्वपूर्ण हैं, व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने और उनको छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उदारवादी प्रतिनिधित्व के आधार पर, रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, प्रतिनिधित्व के आधार पर, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे, जनता अपने प्रतिनिधियों के चुने और चुने हुए प्रतिनिधि है वो कानून बनाए और कानून संसद के द्वारा बनाया जाए। तो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो चयन किए हुए जो शासन प्रणाली है या जो चयनित जनतांत्रक या जनतांत्रिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो आवश्यक है। प्रतिनिधित्व पर आधारित
निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। उसके अनुसार, उदारवादी के अनुसार, सुप्रशिक्षित न्यायपालिका के द्वारा कानून के अनुसार शासन चलाया जाए। ये लोग जो उदारवादी थे, ये सार्वभौमिक मताधिकार का समर्थन नहीं करते थे, जो यूरोप के जो उस समय उदारवादी थे, जो 18वीं शताब्दी में उदारवादी थे, वो सार्वभौमिक मताधिकार के समर्थक नहीं थे। वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिवान लोगों को ही मिले, संपत्तिवान लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिले। तो उदारवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के समर्थक थे, वे व्यक्तिगत अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे और जनतांत्रिक लोकतांत्रात्मक प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली के भी समर्थक थे। वे सार्वभौमिक मताधिकार को स्वीकार नहीं करते थे। उनके अनुसार वोट देने का अधिकार वो अमूल्य है और केवल संपत्तिवान लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारा उदारवादी का हो गया। इसके बाद जो दूसरा रुख था, इसके विरुद्ध जो रेडिकल लोग थे, वो ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, बहुमत का शासन हो, बहुमत या जनता के मत को अपना मत प्रकट करने, विचार प्रकट करने की आज़ादी हो। इनमें से बहुत सारे लोग लोकतांत्रिक वयस्क मताधिकार के भी समर्थक थे, रेडिकल थे। वो लोकतांत्रिक वयस्क मताधिकार को महत्वपूर्ण मानते थे। कुछ रेडिकल थे, वो महिला सार्वभौमिक मताधिकार के महत्व को स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ये रेडिकल लोगों का या रेडिकल जो मान्यता वाले लोग थे उनका मानना था। उदारवादियों के विपरीत ये बड़े जमींदारों और उद्योगपतियों को किसी भी विशेष अधिकार के खिलाफ थे। रेडिकल थे, उनका मानना था कि जो सामंत वर्ग है, जमींदार वर्ग है, धन संपन्न वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है, उनको किसी भी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जबकि उदारवादी जो जमींदार थे, जो धन संपन्न थे, उनके पक्ष में थे। रेडिकल का मानना था कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सभी नागरिकों को समान समझा जाए, सभी नागरिकों के साथ समानता का आचरण होना चाहिए। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन जो रेडिकल थे वो ये भी मानते थे कि कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो केंद्रीकरण की नीति के विरोधी थे। केंद्रीकरण किसे कहते हैं? जब समाज में शक्ति, सत्ता और धन संपदा किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास आ जाती है और वह निरंकुश सत्ता स्थापित करता है, तो इसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। तो रेडिकल थे, वो केंद्रीय सत्ता के विरोधी थे और उनका मानना था कि धन के साधनों पर संपत्ति के साधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसलिए वो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो केंद्रीकरण के विरोधी थे। रूढ़िवादी तबका था, वो रेडिकल और उदारवादी दोनों से अलग था। रूढ़िवादियों का विचार था वो इन दोनों से परे था। रूढ़िवादी फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो समय की जरूरत थी उसके हिसाब से परिवर्तन को स्वीकार तो कर रहे थे, लेकिन जो रूढ़िवादी मानते थे कि प्राचीन मान्यता, सिद्धांत, निरंकुश राजशाही, निरंकुश राजतंत्रात्मक प्रणाली है, उसको समाप्त न किया जाए, बल्कि समाज में धीरे धीरे मौलिक परिवर्तन लाए जाने चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार कर रहे थे। 18वीं शताब्दी तक जो रूढ़िवादियों का जो मत था वो
राजतंत्रात्मक निरंकुश शासन को बनाए रखने के लिए था। वे राजतंत्रात्मक निरंकुश सत्ता को बनाए रखना चाहते थे। उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन तो होने चाहिए, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे हो, परिवर्तन सेने सेने हो, परिवर्तन द्रुतगामी न हो, परिवर्तनों को धीरे धीरे स्वीकार किया जाए। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते ये लोग मानते थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं, परंतु ये भी है कि अतीत का सम्मान किया जाए, अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए, और परिवर्तन की प्रक्रिया है वो धीरे हो, परिवर्तन है उनको धीरे धीरे स्वीकार किया जाए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो राजनीतिक उथल पुथल हुई थी उसमें सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित विभिन्न विचारों के बीच, चाहे रेडिकल हो, चाहे उदारवादी हो, चाहे रूढ़िवादी हो, ये जो तीनों विचार थे इनके बीच हमें पारस्परिक टकराव देखने को मिलते हैं। 19वीं शताब्दी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यांतरण के विभिन्न कोशिशों के कारण इनकी सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया था, इनकी सीमाओं और इनकी संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया था कि यूरोप में उदारवादियों के लिए, यूरोप में रूढ़िवादियों के लिए, या यूरोप में रेडिकल समुदाय के लिए कितनी जगह हो सकती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। दूसरा अध्याय है बेटा, उसको ध्यान से आपको समझना है। पाठ का नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। पहला, औद्योगिकरण ने औरतों, आदमी और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई और पूरे यूरोप में फैल गई थी। तो औद्योगिकरण के कारण जो औरतें थी, स्त्रियां थी, बच्चे थे, सब फैक्ट्रियों में, कारखानों में, उद्योगों में लग गए, उत्पादन की प्रक्रिया के वो हिस्सा बन गए। कारखाने थे, उनकी संख्या है वो तीव्र या तेजी से बढ़ने लगी थी, वस्तुओं का उत्पादन तेजी से होना लग गया था। बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनकी खोज हो गई थी। बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से वृहत मात्रा में, बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हो सक रहा था या संभव हो सका था। तो औद्योगिकरण के कारण जो कामगार मजदूर थे, स्त्रियां थी, बच्चे थे, वो सब कारखानों में लौट गए। काम के घंटे कारखानों में ज़्यादा थे। उस समय जो काम के घंटे थे वो 10 या 11 घंटे होते थे और मजदूरी भी बहुत कम थी। मजदूरी थी वो बहुत कम दी जाती थी, जो जबकि जो काम के घंटे थे वो ज़्यादा होते थे। काम के घंटे हैं वो अधिक थे। बेरोजगारी आम समस्या थी। बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट है वो उस समय आम समस्या थी, क्योंकि कारखाने बढ़ गए थे, कारखानों के कारण मशीनें बढ़ गई थी, भारी मशीनें आ गई थी, इसलिए मनुष्य के हाथों से जो काम होते थे अब वो मशीनें करने लगी थी। अब मशीनों ने मनुष्यों का स्थान ले लिया, इसके कारण बेरोजगारी है वो बढ़ गई थी। बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, बेरोजगार है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ गए थे। जो कारखानों में निर्मित उत्पाद थे या कारखानों में जो निर्मित वस्तुएं थी उनकी मांग में भी कमी आ गई थी। लोगों के पास क्रय मुद्रा थी वो खत्म हो गई थी। बेरोजगारी थी वो तेजी से बढ़ गई थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट हो जाने के कारण, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी हो जाने के कारण बेरोजगारी और अधिक बढ़ गई थी। उस समय औद्योगिक वस्तुओं की मांग है वो तेजी से धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, जिसके कारण बेरोजगारी थी वो और अधिक ज़्यादा बढ़ गई। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे। उस काल में न्यूयॉर्क, पेरिस जैसे शहर थे वो तेजी से बढ़ रहे थे, तेजी से फैल रहे थे। शहरीकरण हो रहा था या अर्बनाइजेशन हो रहा था, शहर विकसित हो रहे थे। शहरों में सड़कों का जाल है वो बिछ रहा था, इससे शहरों का विकास है वो यूरोप में तेजी से फैल रहा था। शहरों का जाल था वो तेजी से बढ़ रहा था। आवास और साफ सफाई का काम मुश्किल हो रहा था। आवास है और सफाई का काम,
ये मुश्किल होता जा रहा था। शहरों में साफ सफाई और आवास ढूंढना, साफ सफाई से युक्त आवास ढूंढना है, वो बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। उदारवादी हो चाहे रेडिकल हो, चाहे उदारवादी हो या रेडिकल हो, दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। रेडिकल और उदारवादियों के पास, कईयों के पास काफ़ी संपत्ति थी और बहुत से लोग हैं वो नौकरी भी करते थे या नौकरी भी करवाते थे। उस समय जो रेडिकल या उदारवादी थे उनके पास संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत से लोग हैं वो नौकरी भी करते थे। रेडिकल या उदारवादी थे उनके पास व्यक्तिगत संपत्ति काफ़ी थी, उन्होंने व्यापार और व्यवसायों के जरिए धन इकट्ठा कर लिया था, इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। अगर मजदूर स्वस्थ होगा, नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो व्यवसाय में उनका भरपूर लाभ मिलेगा, इसलिए वे जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरोधी थे। व्यक्तिगत प्रयास उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनका मानना था कि हर एक व्यक्ति के पास उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, हर एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता हो, हर एक व्यक्ति के पास व्यक्तिगत आज़ादी हो, गरीब को रोजगार मिले, जिसके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका मिले, तभी समाज में तरक्की संभव है। इसलिए जो बहुत से जो कामकाजी स्त्री पुरुष थे, जो बहुत से काम करने वाले स्त्री पुरुष और बच्चे थे, वो उदारवादी और रेडिकल जो समूह और जो उनकी पार्टियां थी उनके इर्द गिर्द गोलबंद धीरे धीरे होते जा रहे थे। क्योंकि उदारवादियों का मानना था या रेडिकल का मानना था कि मजदूरी के समान अवसर मिले, मजदूर पढ़े लिखे हों, काम के जो काम की या कारखानों में जो काम करने के जो घंटे हैं वो निश्चित किए जाए, मजदूर पढ़े लिखे हों, मजदूर का बौद्धिक स्तर अच्छा हो, तो उसके कारण जो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो भी अधिक कुशल होगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे कारखानों में ज़्यादा थे, मजदूरी कम थी, बेरोजगारी आम समस्या थी, औद्योगिक वस्तुओं की मांग कम हो गई थी, इसके कारण बेरोजगारी और अधिक बढ़ गई थी, जिसके कारण लोग के पास काम धंधा नहीं था, क्रय शक्ति में गिरावट हो गई थी, जिसके कारण लोगों के पास जो जमा संपत्ति है, पूंजी है, वो भी जाती रही। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, जैसे मैंने लंदन, बर्गिंगम या पेरिस जैसे शहरों के बारे में आपको बताया है। शहर है वो तेजी से बढ़ते और फैलते जा रहे थे। आवास और साफ सफाई का काम धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। आवास ढूंढना, साफ सफाई से युक्त मकान ढूंढना शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या थी। रेडिकल हो या उदारवादी, इनके पास काफ़ी संपत्ति थी, इनके पास बहुत से लोग हैं वो नौकरी भी करते थे, इनके पास खुद की निजी स्वामित्व से उन्होंने जो लाभ कमाया था इसलिए उन्होंने फैक्ट्रियां और कारखाने लगा लिए थे। लेकिन ये उदारवादी और रेडिकल है, ये कारखानों में लगे हुए जो लोग थे, स्त्रियां और जो पुरुष थे, वो स्त्रियों और पुरुष रेडिकल और उदारवादी जो पार्टियां थी, जो दल थे, उनके आसपास इकट्ठा होने लग गए थे या उन्होंने इनकी गोलबंदी कर दी थी। तो आप बच्चों, आज आपको औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन का जो आपको टॉपिक समझाया है, इसको आपको लिखना है, याद करना है, समझना है, फेयर कॉपी आप डाल के रखो, इसमें आप नोट्स उतारते रहो, मैं रोज़ नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद।